हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल के लिए एक स्टाइलस कैसे बनाएं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पेन लेना है जिसकी हमें रिफिल निकाल लेनी है। देखिए मैंने निकाल लिया, रिफिल नहीं है। फिर हमें लेना है एक इतना पतला सा एक कॉपर वायर, या आपको घर में किसी भी वायर को आप काटोगे उसके अंदर खूब सारे वायर्स रहते हैं, उससे आप निकाल सकते हो। इसका आगे का थोड़ा सा हिस्सा हमें मोड़ लेना है, इस तरह हमें ये मोड़ लेना है। फिर इसको हमें यूँ इसके अंदर डाल लेना है। फिर इस वायर को पीछे लेकर जाना है। फिर जो भी आखिरी में ये बचा हुआ वायर है इसको यहाँ पे अंदर डालना है। ये हो जाने के बाद हमें इसको बंद करना है। तो ये मैंने कर लिया। देख लिए वायर यहाँ पे डाला हुआ है पहले, तो यहाँ से नीचे आके यहाँ पर डला हुआ, फिर मैंने ये बंद कर दिया। फिर इसके बाद हमें ये कॉटन लेनी है थोड़ी सी, इसको कुछ यूँ फोल्ड करना है, रोल करना है, फिर इसको यहाँ पे आगे यूँ डाल देना है। तो अब ये हमारा स्टाइलस तैयार है। अब हमें इसकी जो रुई है वहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाना है, एकदम थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पानी लगाना है इसमें। तो हमारा स्टाइलस तैयार है। स्टाइलस को यूज़ करते समय ध्यान दें, अपना जो थंब, जो भी फिंगर आप यूज़ कर रहे हो वो एक फिंगर इस तार पे लगी होनी चाहिए, ताकि हमारे फिंगर्स की जो इलेक्ट्रोवेव्स होती है वो इसके द्वारा यहाँ आगे पहुँचे और फोन से। तो ये देखिए मैं चला रहा हूँ, तो देखा आपने, ये मेरा स्टाइलस बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पर अपना है ना कोई एक फिंगर जरूर रखिएगा, ताकि जो अपने हाथों में इलेक्ट्रो वेव्स है उसकी वजह से ये मोबाइल हमें रिस्पॉन्ड करता है, जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कॉपर वायर से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।